हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुए की रेसिपी, जो ट्रेडिशनली फेस्टिवल में ज़रूर बनाया जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आइए देख सकते हैं, हमने ले लिया है मैदा। मैदा हम लेंगे 4 स्पून, 2, 3, 4, और इसमें हम ले लेंगे इसका चौथाई सूजी, रवा। रवा लेंगे हम 1 स्पून। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमने 4 चम्मच मैदा, 1 चम्मच रवा ले लिया है। यही रेशियो रहेगा इसका। और ये दूध ना ठंडा है ना गर्म है, रूम टेम्परेचर का दूध है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करेंगे, एक ही साथ ज़्यादा दूध नहीं मिक्स करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब इसे हम फेंट लेंगे अच्छे से। इसमें हम दूध और डालेंगे थोड़ा सा, इसे अच्छे से हम मिक्स। अब हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। हमें इतना ही रखना है, ना बहुत पतला रहना चाहिए ना बहुत गाढ़ा घोल तैयार होना चाहिए। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतना जो है मैदा घोलने के लिए हमने 1 गिलास दूध लिया था, इतना दूध हमारा बच गया है। अब आइए हम इसका चाशनी बना। गैस पे हमने पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी और सेम कटोरी से 2 कटोरी चीनी। चीनी का आधा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। इसे हमें चीनी गलने तक ही पकाना है, इसमें हमको तार नहीं बनाना है। चीनी में हम इलायची डाल देंगे तोड़ के और कुछ केसर के धागे इसमें हम ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें इतना ही चाशनी चाहिए कि हाथ में ये चिपचिप होने लगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है, इसका बैटर तैयार हो गया है। इधर हमने गैस पे पैन रख दिया है। पैन आप भी कोई फ्लैट पैन ले लीजिए, इस तरह से इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, कम तेल में भी अच्छे से हो जाएगा। मैदे में अगर आप 1/4 हिस्सा अगर सूजी डाल देंगे तो इससे ये होगा कि बाहर से क्रिस्प और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे मालपुए। इस तरह से हम कोई एक स्पून ले लेंगे, इसे हम डालेंगे बैटर को। तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें हम 1 ड्रॉप डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम हम सिम कर देंगे। आप इसे कलछी से भर के ऐसे उठाएंगे, बीच में से डाल देंगे। इसे हमें हिलाना नहीं है बिल्कुल ही। अब इसे हम पलट देंगे इस तरह से।
अब गैस की फ्लेम हम तेज कर देंगे। हम देख सकते हैं आप हो गया है, इसे हम चाशनी में डायरेक्ट डाल देंगे। अदरक मालपुआ इसमें हम डाल देंगे। एक साथ आप कई मालपुए इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप भी डाल सकते हैं, दो तीन मालपुए आराम से। मालपुओं को हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सभी मालपुओं को बना के तैयार कर लेंगे। मालपुए बनने के बाद हम इसे चाशनी में 10 मिनट के लिए डुबो देंगे। उसके बाद हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसे आप रबड़ी के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छे टेस्टी मालपुए लगते हैं, बिल्कुल मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट। इसी तरह से आप भी बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।